क्या आप कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं? क्या आप खुद का कंप्यूटर क्लास खोलना चाहते हैं? या फिर आप ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनर बनना चाहते हैं? अगर इनमें से किसी भी एक चीज़ में रुचि है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज से हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, AIO कंप्यूटर जोन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डीके वर्मा। जैसा कि आपको पता है, अभी एक्सेल की सीरीज चल रही है, तो एक्सेल के टॉपिक पर वीडियो बनाते बनाते बोर हो चुका हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इससे हटकर कुछ अलग टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, ताकि आपको भी थोड़ा मजा आए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं जिसमें ये मुझे मिलता है कि हम अपना कंप्यूटर क्लास कैसे खोलें, इसके लिए कौन सा डिग्री चाहिए, अगर मुझे कंप्यूटर टीचर बनना है तो क्या करें, ऑनलाइन अगर मुझे कंप्यूटर सिखानी है तो क्या करें। ऐसे ऐसे कई सवाल हैं जो कि शायद उतना वीडियोज़ भी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पर सीरीज वाइज सीरीज सारे चीज़ों को कवरेज किया जाए। ऐसे एक्सेल की जो क्लास है वो चलेगी, लेकिन बीच बीच में इस टॉपिक पर वीडियो आएगा जिसमें ज़्यादा टीचर्स पर जोर दिया जाएगा कि कैसे हम इसमें एडवांस टीचर बन सकते हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है कि कौन कौन ये चाहता है कि इस टॉपिक पर वीडियो आए। इसमें नहीं बताऊँगा कि कैसे बनना है, क्या करना है, बस आपको कमेंट करना है। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा मैं उतना ही जल्द इस टॉपिक पर वीडियो लाऊंगा। और कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं होता है टीचर्स के लिए। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा मुझे कोर्स करना चाहिए जिससे कंप्यूटर टीचर्स बन सके, किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, कंप्यूटर क्लास खोलने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, अगर मैं कोई कोर्स कर लेता हूँ तो उसमें क्या क्या चीज़ें मुझे आनी चाहिए, सारा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा। स्टूडेंट को किस तरह से पढ़ाना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ाएंगे कि जो मेरा इंस्टीट्यूट है वो काफ़ी ग्रो करे, यानी कि जो भी एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलने के लिए या फिर एक कंप्यूटर टीचर बनने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत होती है वो सारे चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा। बस आपको कॉमेंट में बताना है कि कौन कौन ये चाहता है कि इस टॉपिक पर वीडियो आए, सारे चीज़ें मैं कवर करूंगा। हो सकता है कि मैं आपके इंस्टीट्यूट का कई चीज़ें मैं कर दूं, जैसे आपके ब्रांड का ईबुक बना दूंगा, कई चीज़ें हैं जो मैं आपको करके दूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को ईबुक चाहिए, मेरा खुद का ब्रांड चाहिए, मेरा खुद का एक्सेल का बुक होगा, वर्ड का बुक होगा, यानी कि खुद का अगर आप ब्रांड चाहते हैं तो वो मैं करके दे सकता हूँ। अगर है आप में एबिलिटी है, आपके पास समय है तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि बस ये मेरा मोटिव यही है कि जो जो ज़रूरत होगा वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा भी और करके भी दूंगा। तो आप कमेंट करके बताएं इस टॉपिक पे वीडियो आना चालू हो जाएगा कि टीचर्स बनने के लिए, कंप्यूटर क्लास खोलने के लिए, एनीथिंग जो कि इससे जुड़ा हुआ हो, ऑनलाइन ट्रेनर, ऑनलाइन कैसे क्लास खोला जाता है, किस तरह से क्या होता है, वो सारा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा, है ना, कि अगर किस तरह से मुझे क्या करना चाहिए कि ज़्यादा ग्रो हो वेबसाइट, मतलब कई चीज़ें जो हैं जो इससे रिलेटेड आ जाते हैं कि अगर मैं कंप्यूटर क्लास खोलूँगा तो खुद का वेबसाइट होगा, खुद का ऑनलाइन क्लास भी होगा, स्टूडेंट को कैसे लाएँ, DCA में क्या क्या करना चाहिए, कैसे समझाऊँगा DCA में, कैसे समझाऊँगा अगर, मतलब कोई भी कोर्स जब कोई आएगा बंदा करने तो उसको कैसे समझाऊँगा, एनीथिंग कुछ भी चीज़ हो सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कमेंट करके ज़रूर बताएं।